हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक अनंत। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए आज एजीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो हम चैप्टर करवाने वाला हूँ, वो कौन सा चैप्टर है? एजीएस का, क्योंकि ये जो है ज़्यादा रिलेटेड है किससे? रेशियो के साथ। हम इसके अगला वाला चैप्टर जो है वो क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो आज हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजीएस। तो एजिस के जो क्वेश्चन है, ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो प्री लेवल में एक बार देखे जा सकते हैं। चाहे आप बैंकिंग की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप जेकेएसबी की बात करो। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सबको अच्छे से आना चाहिए। काफी स्कोरिंग टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं उसमें, प्री में भी है, मेंस में भी। तो 2 से 3 मार्क्स की वेटेज लेके चलो इसकी आप, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहले तो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा हमको, हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। कंसेप्ट की अगर हम बात करें, हमको x तो बिल्कुल यूज नहीं करना, बिकॉज x जो टाइम कंज्यूम करेंगे। हम जितने भी यहाँ मेथड सीखेंगे उसमें हम क्या ट्राई करेंगे, हम x को बिल्कुल कम यूज करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सपोज करो हमारे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है हमारे पास बी। याद रखना, ये लाइन मैं ड्रॉ करूंगा प्रेजेंट के लिए। जब भी मेरे को कहा होगा प्रेजेंट एज, तब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। जब मुझे कहा होगा 5 years ago या समथिंग ईयर्स अगो, ये मैं माइनस में ड्रॉ करके पुरानी एज मेंशन करूंगा। और ये जो है, इस तरह से मैं क्या मेंशन करूंगा? आने वाली एज, ठीक है? आफ्टर दिस ईयर, दिस विल रिप्रेजेंट एगो, दिस विल रिप्रेजेंट आफ्टर। तो मुझे क्या कहा गया होगा? मुझे कहा होगा कि 2 पर्सन हैं जिनकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक की 22 साल है, एक की एज कितनी है 22 साल, और एक की एज कितनी है 25 साल। अगर मैं आज से 10 साल की बात करूं, जब मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट एज और प्रेजेंट 10 साल के बाद की बात करूंगा, तो ए की एज 10 साल में कितनी चेंज हुई होगी? ऑब्वियसली 10 साल बढ़ गई होगी, यानी कितनी हो गई होगी? 32 ईयर्स, राइट? इसी तरह से बी की एज कितनी बढ़ गई होगी? 35 साल। 10 साल बढ़ के कितनी होगी? 35 साल। आज से अगर मैं 5 साल या 7 साल पहले की बात करूं, आज से अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ, ये प्रेजेंट है, इससे 7 साल प्रेजेंट एज से 7 साल पहले की बात करूँ, तो कितनी एज होगी इसकी? 15 साल, मैं 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। और इसकी कितनी एज होगी? 18 ईयर्स, राइट? है ना? तो देखो, अगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझ में आ गया, दैट मीन्स 80% जो क्वेश्चन है आपके रेशियो के, सॉरी प्रॉब्लम ऑन एजेस के, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यही एक मेन कंसेप्ट है जो आपको सिखाने वाला हूं, कि 2 पर्सन की एजेस का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता एट ए पर्टिकुलर टाइम। देखो, अगर मैं इस टाइम की बात करता, प्रेजेंट की बात करूं, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है? +3, राइट? अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं, तो इनका डिफरेंस कितना है? 3 साल का ही है। चेंज हुआ? नहीं हुआ, ये डिफरेंस भी यही है। और अगर मैं आज से 7 साल बाद की बात करूं, 7 साल पहले की बात करूं, तो डिफरेंस तब भी कितना है? 3 साल है। बी जो है वो 3 साल ही रहेगा। अगर आपके और आपके भाई की 3 साल का डिफरेंस है, तो वो आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, आप एक पर्टिकुलर ईयर में आपका दोनों का एज का डिफरेंस जो है हमेशा सेम ही रहेगा। यही चीज है, कंसेप्ट जो आपको समझना है। बस इसी कंसेप्ट के बेस पे हमने अब सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पहले इसको आप माइंड में रखो कि 2 पर्सन की एज का डिफरेंस जो है कभी भी चेंज नहीं होता। यही आपका कंसेप्ट है जो आपको समझना है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मान के चल लो आपके पास 2 पर्सन हैं, ए और बी। आपको क्या होना है? देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी। 2 पर्सन है ए एंड बी, जिनकी एज है, प्रेजेंट एज दी है कितनी आपको? 9:10 की रेशियो, ठीक है? 9:10 की रेशियो में आपको प्रेजेंट एज दी हुई है। और कहा गया होगा कि आज से तीन साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? इनकी एज की रेशियो बन जाएगी 10:11। और मैंने आपको बताया वो क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि इनकी एज का डिफरेंस जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम सेम है कि नहीं है। तो देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है? +1 का। यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है? +1 का। दोनों मैच कर गए? हाँ जी कर गए, ठीक है, मैच कर गए। और ये इनको करना था, बस
यानी अब मेरा क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। देखो यहां से यहां पे अंदर की को कितने साल कितने यूनिट से कवर करना पड़ा, एक यूनिट, एक यूनिट, और एक्चुअल में ये एक यूनिट किसके इक्वल है, थ्री इयर्स के। एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है, थ्री इयर्स के इक्वल है। अगर एक यूनिट की वैल्यू थ्री इयर्स के इक्वल है तो मेरे से क्या पूछा होगा, मुझसे पूछा होगा भाई बताओ फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की प्रेजेंट एज कौन सी है, ये रहा पहले वाला साइन और बी यहाँ ही है। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, 10 यूनिट्स के इक्वल, यानी बी की एज कितनी आएगी, 10 इंटू 3 यानी 30 ईयर्स। राइट फ्रेंड्स, आगे समझ में आया ये चीज। ठीक है, ऐसे में एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ए और बी की दो परसेंट की एज प्रेजेंट एज है 4:5। ठीक है, आज से 10 साल के बाद इनकी एज क्या रहने वाली है, 6:7। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप चेक क्या करोगे, पहले आप ये चेक करोगे दोनों पर्सन की एज का डिफरेंस दोनों टाइम पे सेम है कि नहीं है। तो हाँ जी, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक का और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक का, मैच कर गया, बिल्कुल कर गया। तो आपको क्या करना है, आप यहां से देखो कितना यूनिट्स कवर हुए, 4 से 6 आने में 2 यूनिट कवर हुए, यानी 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, 10 ईयर्स के इक्वल है। राइट, और हमको किसके, अच्छा अगर 2 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स के इक्वल है तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 5 ईयर्स के इक्वल आएगी। और आपको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब आपको चाहे कुछ भी पूछा हो, चाहे प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी हो, चाहे प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालनी हो, या प्रेजेंट एज ऑफ ए 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स निकालनी हो, द प्रेजेंट एज ऑफ बी आफ्टर 7 ईयर्स निकालनी हो, तो आपको बस एक यूनिट की वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मुझसे क्या पूछा हुआ फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 5 के साथ, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20 ईयर्स। मेरे को 4 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 × 5 यानी 20 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन कंसेप्ट क्या है, हमको क्या करना है, हमको इनके डिफरेंस को सेम रखना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो पर्सन की एज का डिफरेंस जो कभी भी चेंज नहीं होता, वही रेशियो में भी होना चाहिए, रेशियो में डिफरेंस भी कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन लाते हैं हम जिसमें कई बार क्या होगा, डिफरेंस चेंज होगा, तो हमें उसे किस तरह से बैलेंस करना है, चलिए देखते हैं। कहा हुआ है ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 3:1 की रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। ठीक है, और क्या बताया गया है कि आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद रेशियो क्या बन जाएगी, ये रेशियो बन जाएगी 4:1, 4:1 बन जाएगी। अब देखो सर क्या आपको रेशियो इक्वल लग रही है, यहां पे मैं डिफरेंस देखू कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, और यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का। दैट मींस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी तो सेटिस्फाई करवाना है हमें, कैसे करवाएंगे, हम ये वाले 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाले 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास न्यू रेशियो क्या बन के आएगी, हमारे पास न्यू रेशियो बन के आएगी क्या, 3:9:3 और 8:2। ये ए इज टू बी की अभी की प्रेजेंट की रेशियो, ये आफ्टर 5 ईयर्स की रेशियो। अब देखो जरा डिफरेंस सेम आ रहा है, अब डिफरेंस सेम आ रहा है, हाँ जी यहाँ पे 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, बस मुझे इसी को तो इक्वल करना था। इसको इक्वल करने के बाद मैं देखूंगा यहाँ से कितना पॉइंट कवर करने पड़ रहे हैं मुझे, यहाँ से मुझे 1 मिनट कवर करना पड़ रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू किसके इक्वल, एक्चुअल में 5 ईयर्स के इक्वल, क्योंकि ये 5 ईयर्स बाद की एज है, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स ये एज बनने वाली थी ना 4:1, तो क्योंकि ये 5 ईयर्स का डिफरेंस है तो 1 मिनट की वैल्यू
यहां से यहां आने तक 1 मिनट और एक्चुअल में यहां से यहां आने तक 5 साल, ठीक है। 1 मिनट की वैल्यू 5 साल की इक्वल, मुझे क्या पूछा हुआ, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो वो 9 मिनट की इक्वल आएगी, तो 9 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 into 5 यानी 45 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता था रेशो में, जब बैलेंस हो, जब ऑलरेडी डिफरेंस सेम आ रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली यूनिट्स लेके यहाँ का यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लेके आपको 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है, और 1 मिनट की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पुट करनी है जो भी आपसे पूछा गया हो। जब आपके पास इक्वल नहीं है तो आपने चेक करना है कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, आपने यहाँ वाले डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इसके बेस पे क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तब तक अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, और अगर क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।